इस तरह का बैन लोगों को दिखावे के लिए नहीं, बल्कि सरकार को सीरियसली लग के पहले अपना जमीन छुड़ाने का काम करना चाहिए, उसके लिए सरकार को पहल करनी चाहिए। मुझे लगता है कि अगर चाइना को जवाब देना है तो एक देश वो है जिसने हमारा 1000 वर्ग स्क्वायर किलोमीटर कब्जा कर लिया है और हम उनकी छोटी छोटी ऐप बैन करके अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। मुझे लग रहा है कि ये काफ़ी शर्मसार करने वाली बात है। इस तरीके की खबरें आई हैं कि कुछ बड़े बड़े कॉरपोरेट घराने हैं जो अपनी ऐप्स को लॉन्च करने के लिए चाइनीज़ ऐप्स का जो स्पेस है उसको हड़पने के लिए सरकार से चाइना के नाम पे काम करवा भी रहे हैं। तो सरकार को ठोस कदम उठाने चाहिए और जिस तरीके से चाइना हमारी ज़मीन पे कब्जा कर रहा है उसको कड़ा जवाब देना चाहिए। देखिए, भारत सरकार ने हर तरह की स्ट्राइक कर दी है चाइना पे। बॉर्डर पर भी हमारे सैनिकों ने पराक्रम दिखाकर 200 से 300 पीएलए के जो सैनिक थे उनको खदेड़ दिया और हम ऐप भी बंद करके उनको डिजिटल भी। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।